सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला न्यू समर मोड एंड दूसरा भाई न्यू टीडीएम मोड एंड तीसरा अपकमिंग लीक्स। काफ़ी कमाल कमाल की सेकंड एनिवर्सरी की लीक्स निकल के आ चुकी है भाई। काफ़ी हद तक अच्छी आउटफिट एंड गाइस गन स्किन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जो कुछ भी सेकेंड एनिवर्सरी के क्रिएट एंड स्पिन में आने वाला है सब कुछ इस वीडियो में दिखा दूंगा। एंड भाई अपना न्यू समर मोड एंड न्यू टीडीएम मोड को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप के फुल्ली वॉच कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप नेक्स्ट वीडियो का सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जाइए फटाक से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो का सजेशन कर दीजिए। क्या आप एंगल 2.0 पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ भाई, तो कमेंट में हैशटैग यस लिख दीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं न्यू टीडीएम मोड। तो गाइस, ये वाली लुक मतलब मैप का आपका टीडीएम मोड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये चाइना वर्जन में आ चुका है ऑलरेडी टीडीएम मोड। एंड गाइस, अपने बीटा में भी आ चुका है ये टीडीएम मोड। देख सकते हैं इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया इस लुक को। एंड चलिए मैं आपको इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं भाई, अभी ये गेम प्ले पूरा डेवलप नहीं किया गया था भाई। ये 0.16 का जब आपका अपडेट आने वाला था भाई, तभी ये बीटा में आया था। तो मैंने तुरंत इसका गेम प्ले बना लिया था भाई। ये भाई डेवलप में चल रहा था, पता नहीं कैसे बीटा में आ गया भाई टेस्टिंग के लिए। तो देख सकते हैं भाई, मतलब पूरा मैं आपको लुक दिखा रहा था, बट भाई कुछ बंदों ने मार दिया तो मैं यहाँ भी उनसे फाइटिंग करने लगा। ये भाई काफ़ी अच्छी लुक का ये मैप आपको देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेस मिलने वाले हैं जिससे आप स्नाइपिंग काफ़ी आराम से कर सकते हैं। आप अपना स्नाइपिंग भी काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं इस मैप के साथ। तो गाइस, ये मैप मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा भाई। मतलब सभी टीडीएम मोड से ये सभी सबसे ज़्यादा बड़ा मैप होने वाला है। इसमें आप आराम से कहीं दूसरी जगह पर जाके आराम मतलब पूरा मतलब में आप चारों तरफ घूम टहर के आराम से बंदों को मार सकते हैं। इससे आप मतलब पूरा क्लोजर फाइट जो होती है उससे आप इसकी अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं इस टीडीएम मोड से। तो भाई काफ़ी अच्छी तक मुझे ये टीडीएम मोड लगी। आपको ये टीडीएम मोड कैसा लग रहा है भाई, गेम प्ले में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड गाइस, ऐसी लेटेस्ट अपडेट एंड लीक्स के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। एंड भाई शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। एंड भाई इतनी मेहनत से ये सब लीक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, एक लाइक तो बनती है। तो भाई चलिए फिर अब बात करते हैं न्यू समर मोड। तो गाइस, न्यू समर मोड क्लियर हो चुका है आपको। जून से जुलाई के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा भाई। ये 0.18 के अपडेट के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसका एक ट्रेलर लीक हुआ है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो गाइस, ट्रेलर तो काफ़ी अधिक मज़ेदार भाई मुझे लगा। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस चलिए फिर अब बात करते हैं ये इसमें क्या खास होने वाला है, इसका क्या मतलब कैसे लगा कि कंफर्म हो चुका है। तो पहले भाई देख सकते हैं ये दिल के शेप का होने वाला है भाई ये। एंड गाइस, जैसे आपका न्यू विंटर मोड का एक न्यू आइलैंड बन गया तो वैसे इसका भी एक न्यू आइलैंड बनने वाला है आपको इरेंगल मैप में ये देखने को मिलने वाला। एंड गाइस, जैसे आपको विंटर मोड का भाई एक रेसिंग ट्रैक देखने को मिला था वैसे इसका भी एक रेसिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला। एंड गाइस, ये स्केटिंग बोर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ये स्केटिंग बोर्ड की वजह से ही कंफर्म हुआ है कि भाई ये आपको जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जुलाई में ही समर चलता है। एंड गाइस, समर मोड तो उसी समय आएगा ही, उस समय आपको गोवा की बीच का पूरा ये भाई लुक देने वाले पबजी वाले पूरा मतलब क्या कहें भाई, मतलब कैसा कैसा सीन आपको पबजी वाले दिखाने वाले, ये तो आप भी नहीं समझ सकते। तो भाई काफ़ी मज़ेदार मुझे ये मोड लग रहा है भाई देखने में। भाई देखते हैं कैसा ये होने वाला है भाई। ये जुल्म मुझे तो काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार है भाई। ये पहला मैप तो आप देखिए किस आकार का पबजी वालों ने बनाया है, दिल के आकार का ये मैप वाला है। एंड गाइस, यहाँ आपको जगह जगह पे स्पेशल लूट यानी कि स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा भाई वाटर के अंदर। एंड ऊपर भी आपको स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो भाई लेवल 3 की लूट आपको उस एयर ड्रॉप में देखने को मिलने वाली। एंड गाइस, ये जो बैलून वगैरह की फीचर है इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि भाई ये अपने चाइना वर्जन में आया था तो भाई ये चाइना वर्जन का ही गेम प्ले है। चाइना वर्जन में ऑलरेडी समर मोड आ चुका है। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये कन्फर्म हुआ। तो गाइस, कुछ दिन पहले बीटा
वर्जन से एक स्केटिंग बोर्ड वगैरह निकल के आ चुकी। तो आप जो ट्रेलर देख रहे होंगे भाई, उस ट्रेलर में यही सब स्केटिंग बोर्ड मतलब वो सब प्लेयर्स चला रहे थे। तो भाई ये आपके आउटफिट के हिसाब से आपको स्केटिंग बोर्ड मिलने वाला, इसका कोई स्क्रीन नहीं है भाई। मतलब आप जैसे स्केटिंग करने जाएंगे तो आपके आउटफिट के हिसाब से ये स्केटिंग बोर्ड आपको मिल जाएगी। तो भाई काफ़ी अच्छा ये लुक स्केटिंग बोर्ड की भी लगी। उसके बाद गाइस इसमें आपको एक स्पेशल आउटफिट भी देखने को मिलने वाला। तो ये देख सकते हैं बनाना आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हेड गियर भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो गाइस काफ़ी अच्छे लुक का ये आउटफिट भी पबजी वालों ने ला दिया है। उसके बाद गाइस एक स्पेशल नाव की स्किन भी आपको देखने को मिल जाएगी। बोट की स्किन देख सकते हैं भाई, बोट के कुछ ऐसा कुछ लुक बना दिया जाएगा जो बड़ा वाला बोट है। तो भाई चलिए फिर मैं आपको सेकेंड एनिवर्सरी का लीक्स दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं भाई सेकेंड एनिवर्सरी का लीक्स ऐसा कुछ, मतलब भाई पहला ये सेकेंड एनिवर्सरी यूनिक्रॉन सेट भाई आउटफिट आपको ऐसा कुछ लुक का देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लुक है, घोड़े की आउटफिट का लुक दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं इसका हेड गियर भी आपको घोड़े का लुक का मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से घोड़े को पूरा डेकोरेट किया गया है पबजी वालों ने, देख सकते हैं। और पूरा इसके मतलब आउटफिट पे जहाँ भी जगह मिला पबजी वालों ने 2 लिख दिया। मतलब भाई अपना पूरा डिनोट करें कि ये सेकेंड एनिवर्सरी में आउटफिट आया था। उसके बाद गाइस देख सकते हैं ये हेड गियर आपको हेलमेट भी देखने को मिल जाएगा, टेक्नो हेलमेट, जो कि देख सकते हैं लेवल 1 का लुक ऐसा कुछ होने वाला इस हेलमेट का। तो गाइस काफ़ी दिनों पहले ये लीक्स में निकला था, तो भाई बस उसमें लेवल 3 का था। देख सकते हैं अब लेवल 1 पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद अब बात करते हैं लेवल 2 की हेलमेट। तो देख सकते हैं लेवल 2 का ऐसा कुछ लुक हो जाएगा। तो चलिए फिर अब बात करते हैं लेवल 3 के। तो देख सकते हैं भाई लेवल 3 पे ऐसा कुछ ही हेलमेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हेलमेट की स्किन भी काफ़ी हद तक अच्छी मुझे लग रही है। उसके बाद गाइस आपको पैन की स्किन भी देखने को मिल जाएगी, एनिवर्सरी यूनिक्रॉन पैन की स्किन। तो देख सकते हैं भाई इस पे भी घोड़े का लुक दिया गया। यूनिक्रॉन भाई एक भाई मतलब यूनिक्रॉन एक गेम था भाई, उसी गेम से रिलेटेड भाई मुझे लग रहा है पबजी वाले कुछ कोलैब भी होगा सेकेंड एनिवर्सरी, तो उसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है लाने वाले। उसके बाद गाइस देखते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बगी की स्किन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ लुक होने वाला है बगी की स्किन जैसा आपका मतलब डासिया आया है भाई रॉयल पास में एंड यूएजेड आपको रॉयल पास क्रिएट में, वैसे ही सेम लुक का आपको बगी की स्किन भी देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं भाई बगी की स्किन का लुक ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद गाइस आपको एक कमाल की M24 की स्किन देखने को मिल जाएगी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी लुक की ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आपको देखने को मिल जाएगी। भाई मुझे ये लग रहा है भाई यूसी की क्रिएट आएगी या फिर कोई लकी स्पिन आएगी, क्योंकि भाई कुछ दिन पहले एक ट्रेलर निकल के आया था, तो भाई उस ट्रेलर में 2 आउटफिट का जिक्र था भाई, तो दोनों आउटफिट मुझे लग रहा है एक ही साथ लकी स्पिन में आएगी। उसके बाद देख सकते हैं भाई एनिवर्सरी यूनिक्रॉन ऑर्नामेंट भी आपको देखने को मिल जाए। तो भाई इस एनिवर्सरी के साथ यहाँ यूनिक्रॉन का भी जिक्र किया गया। तो यूनिक्रॉन भाई एक गेम था यूनिक्रॉन दास, आप लोग काफ़ी बंदों ने खेला, जो बंदे ने खेला है भाई कमेंट में बताइए कि हाँ भाई मैंने खेला है। तो उसके बाद देख सकते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पैरासूट भी आपको वही वाला देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस B8 यूनिक्रॉन ट्यूशन, मतलब ये भाई आटो की स्किन है भाई, आटो आपको जो साइनॉक मैप में मिलता है वो वाली आपको आटो की स्किन भी देखने को मिल जाएगी। पहली बार आटो की स्किन आ रही, तो देख सकते हैं भाई ये अपना सेकेंड एनिवर्सरी पबजी वालों ने ये वाली की आटो की स्किन ला दे रहे हैं भाई। उसके बाद आपको एक कमाल की बैकपैक की स्किन देखने को मिल जाएगी, 8-bit यूनिक्रॉन बैकपैक की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि देख सकते हैं भाई लेवल 3 की ऐसी कुछ बैकपैक की स्किन आपको देखने को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं लेवल 1 पे बैकपैक का लुक ऐसा कुछ हो जाएगा भाई, 8-bit यूनिक्रॉन बैकपैक का लुक। उसके बाद लेवल 2 की आप बैकपैक देखिए, इस पे भी भाई सेकेंड एनिवर्सरी का पूरा मतलब थीम लगाया गया है। इस पे देख सकते हैं इस पे भी सेकेंड लिखा हुआ है। एक बार आप लेवल 3 का और देख लीजिए भाई, लेवल 3 की भी काफ़ी अच्छी लुक की है बैकपैक है। उसके बाद गाइस आपको एक और पैरासूट की स्किन देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं भाई ये वाली पैरासूट की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, हेरोइन जर्नी पैरासूट आपको ये वाली स्किन आपको फिर से एक बार मतलब शायद ये पबजी में आ चुका है भाई, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको एक कमाल के और आउटफिट देखने को मिलने वाली। तो गाइस ये सब आपको इसी क्रिएट में देखने को मिलेगी या फिर भाई क्लासिक क्रिएट में आपको आ सकती है भाई ये फैंटेस्टिक गर्ल सेट आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं भाई इसका भी लुक काफ़ी हद तक पबजी वालों ने अच्छा बनाया। उसके बाद गाइस इसका हेड गियर भी आपको देखने को मिलने वाला, ये भाई 3D हेड गियर पता नहीं पबजी वालों ने क्या लाने का अब सोचा है भाई, ये मतलब बार बार ये ऐसा कुछ हेड गियर ला रहे हैं। उसके बाद गाइस आपको एक और आउटफिट देखने को मिल जाएगी, गेम मास्टर ग्लासेस भाई ये उसका हेड गियर का नाम होने, उस पर पबजी मोबाइल लिखा हुआ रहेगा। तो देख सकते भाई पबजी मोबाइल लिखा हुआ चल रहा है उस, देख सकते भाई ये गेम मास्टर सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेगा। तो गाइस सेट की लुक तो काफ़ी हद तक अच्छी बनाई है पबजी वालों ने, देख सकते हैं भाई मतलब क्या लुक का भाई ये सेट पबजी वालों ने बनाया। उसके बाद गाइस देख सकते हैं ये हेड गियर भी उसी के साथ आपको देने को मिलने वाली है।
तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आपको क्रॉसबो की जॉयस्टिक जो होती है भाई उसकी गन मतलब उसकी स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, जो भाई पता नहीं किस काम का होता है, मुझे तो इसका कोई वर्क नहीं पता भाई, क्योंकि क्रॉसबो में तो भाई कोई रिलोडर रिलोडर टाइप का कुछ लगता है मतलब भाई, ऊपर से रिलोड तो एक ही एमओ करेगा भाई, क्या उसमें चार पाँच कर लेगा उस देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको ये मतलब एक मचानो की भी स्किन आपको देखने को मिल जाएगी भाई, पता नहीं क्यों ये की टाइप का मचानो ला रहे, कोई मतलब थीम लाएंगे पबजी वाले उसी के बेस्ट पर ये आपको मचानो की स्किन भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गाइस आपको एक कमाल की आउटफिट देखने को मिलने वाली भाई, पूरा लाइटिंग के इफेक्ट का आउटफिट आपको देखने को मिलने वाला है, तो देख सकते हैं भाई ये वाली आउटफिट आपको देखने को मिल जाए। इसके साथ इसका ये वाला कमाल का इमोट भी होने वाला है, तो देख सकते हैं भाई इसके हाथों को देखिए भाई, क्या हाथों पे लुक दिया गया है भाई, ये इमोट भी कतई जहर लग रही है भाई। ये इमोट मैंने गलती से एक बार रॉयल पास रिवॉर्ड में दिखा दिया था, बट भाई ये रॉयल पास में नहीं आने वाला, इस आउटफिट के साथ आएगा, तो देख सकते हैं आउटफिट का लुक भी काफ़ी हद तक अच्छा है, एंड गाइस इमोट तो कतई जहर है ही। उसके बाद गाइस बात करते हैं तो इसके हेड गेयर का बात करते हैं, तो देखिए भाई हेड गेयर तो और भी कमाल की लुक का, पूरा ग्रीन ब्लू एंड गाइस पता नहीं कौन कौन सी कलर इसमें मिला के पूरा पबजी वालों ने मतलब पूरा इस समय मिक्सअप कर दिया भाई, मतलब इस समय कुछ भी पबजी वाले ला रहे हैं, मतलब पूरा मतलब लाइटिंग का इफेक्ट नियॉन लाइट का इफेक्ट करके ला रहे हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, एंड गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी लेटेस्ट अपडेट एंड लीक्स की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता है। एंड गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, अपने भाई को अभी तक सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो जाइए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं फटाफट फॉलो कर लिए। तो भाई लोग चलते हैं अगली मुलाकात और भी कमाल की लीक्स एंड अपडेट एंड और भी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ होगी, तब तक के लिए बाय।